ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर के प्ले लिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉचआउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो लेट्स टॉक विद दिस। दोस्तों यहाँ पे बताने की बात ये करी गई है कि एन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल और साधारण भाषा में बताने की अगर मैं आपको कोशिश करूँ, एक ऐसा साम्राज्य जो अपने टाइम पीरियड में आप कह सकते हो कि तीन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। सबसे पहली बात तो ये कि आपको कॉन्टिनेंट पता होना जरूरी है। कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, वो कहते हैं महाद्वीप। देखो टोटल महाद्वीप 7 महाद्वीप है, उसमें से अगर आप देखें 8वां महाद्वीप ज़ीलैंडिया घोषित करा गया है। लेकिन अगर आप चंगेज खान के एम्पायर की बात करें तो चंगेज खान का एम्पायर पूरी तरीके से थोड़ा बहुत अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में भी था और एशिया के कॉन्टिनेंट में भी था। अगर आप अलेक्जेंडर की बात करें तो उन्होंने यूरोप से लेकर अफ्रीका तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रोम साम्राज्य के बारे में तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसा साम्राज्य था रोमन एम्पायर का जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, इसीलिए इसे 3 महाद्वीपों के नाम से पुकारा जाता है। अब 3 महाद्वीप कौन से हैं, आप ये देख सकते हैं 3 महाद्वीपों में से सबसे पहला अगर नाम हम देखें तो यहाँ पे आ गया यूरोप। तो ये यूरोप यहाँ से है, ठीक है, ये यूरोप है। एंड देन एशिया, तो एशिया हमारा यहाँ से है, ये एशिया है। एंड देन अफ्रीका, तो ये अफ्रीका हमारा यहाँ से। तो इस तरीके से 3 साम्राज्यों में फैला हुआ एक ऐसा, मतलब 3 कॉन्टिनेंट 3 महाद्वीपों में फैला हुआ ऐसा साम्राज्य जो इतनी बड़ी टेरिटरी को चला रहा था, तो अपने आप में ही बड़ी यूनिक बात है। कितने राजा आए, कितने राजा गए, वो सब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहां पे अगर आपको ग्रीन वाला प्लेस दिखाई दे रहा है वो पूरी तरीके से वो जगह है जहां पे गवर्नर्स या होते थे और राजा के अंडर में राज करते थे। जो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कहते हैं ब्राउन टाइप दिखाई दे रहा, लाइट ब्राउन में, तो ये वाला प्लेस आप कह सकते हैं सेनेटोरियल प्लेसेस थी। सम्राट के अंडर में एक सेनेट्स होते थे, वो सेनेट इन राज्यों को चलाया करते थे। एक तरीके के पूंजीपति वर्ग या साम्राज्य समाज में वो वर्ग जो पैसों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओके सो अब क्योंकि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है तो आप देख सकते हैं अलग अलग भाषाएं होंगी, खाना अलग होगा, ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, सोच विचार अलग होंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि आप लोग इतिहास पढ़ रहे हो तो आप किस टाइम पीरियड का इतिहास पढ़ रहे हो, ये भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम कितने पुराने इतिहास के बारे में स्टडी कर रहे हैं, देन ही आपको समझ में आ पाएगा। देखिए सो हम बात कहां से कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर के बारे में। ओके रोमन एम्पायर बोले तो आप कह सकते हैं रोम साम्राज्य के बारे में। आप लोगों ने पिछली जो वीडियोस देखी थी, पिछले चैप्टर देखे थे, उसमें आपने देखा था कि हम लोग 0 से 3000 साल पीछे गए थे और 3000 साल पीरियड में हमने पढ़ने की कोशिश करी थी कि उस टाइम पीरियड में छोटी छोटी डायनेस्टियां इराक के आसपास आनी चालू हुई थी, सुमेरियन, अकाडियन, एश्यूरियन, बेबीलोनियन, ये सब आपने पढ़ा था। लेकिन अभी जो आप रोमन साम्राज्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो 0 से 500 साल पीछे, लगभग 600 साल पीछे यहाँ से रोमन साम्राज्य शुरू होता है। और लगभग रोमन साम्राज्य 0 से 500 साल अगर आप आगे जाते हैं एडी के टाइम पीरियड में तो यहाँ आके खत्म होता है, उससे भी थोड़ा सा आगे जाएगा। लेकिन हम एग्जैक्टली तो देखो 1000 साल का टाइम पीरियड एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं लिया होगा, आपको पता है बच्चा वैसे ही पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। लेकिन इन्हीं बीच में पूरे रोमन एम्पायर में क्या क्या बदला, कैसा इकोनॉमिक सिस्टम था, कैसे बिजनेस होता था, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, लोगों की कल्चर डाइवर्सिटी कैसी थी, लेखन कला इससे 1000 साल पहले आ चुका था,
तो इनके टाइम पीरियड में कौन सी भाषा बोली जाती थी? बोली भी जाती थी तो फिर साम्राज्य के अंदर बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता था, ये सब भी तो समझना हमें जरूरी है ना। तो इसीलिए चलिए, सो लेट्स टॉक विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम पहले क्वेश्चन से शुरू करें, आपको कैसे पता कि रोमन साम्राज्य तीन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है? या आपके टीचर को कैसे पता कि रोमन साम्राज्य तीन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है? या मुझे कैसे पता, या आपको कैसे पता चलेगा? तो हिस्टोरियंस ने बताया कि अगर किसी भी साम्राज्य के बारे में, किसी भी एम्पायर के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले उसके सोर्स जानने जरूरी होते हैं। तो सोर्स में सबसे नंबर वन टैक्स है, दूसरे नंबर पे है डॉक्यूमेंट्स, तीसरे नंबर पे है मटेरियल रिमेन्स। अब टैक्स के अंदर क्या आएगा? हिस्टोरियंस बताते हैं कि उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी राजा हुआ करते थे या उनके कॉन्टेम्पररी टाइम पीरियड मतलब सेम समय में राजा कुछ लिखवाया करता होगा। जैसे रोमन एम्पायर के अंदर पूरे साल का बही खाता लिखा जाता है, उस बही खाते को हम वार्षिक वृत्तांत बोलते हैं। इसको इंग्लिश में द एनल्स ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। तो ये टैक्स एक तरीके का प्रूफ है जो पूरी तरीके से हमें ये बताने की कोशिश करता है कि रोमन साम्राज्य के अंदर राजा अगर कुछ भी लिखवाया करता था तो हम उस टाइम पीरियड के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो व्यवस्था कैसी रही होगी। दूसरी पॉइंट की अगर बात करें तो वो हमें डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स दो ही तरीके के होते हैं, वी ऑल नो दैट, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पर लिखे होते हैं, उसके बाद दूसरा होता है हमारा टेक्स्ट के रूप में जो समय पत्ते पे लिखा जाता था, पपायरस क्या कहते हैं स्क्रोल करके कुछ होता था, केले का पत्ता होता था उसमें भी ये लोग लिखा करते थे। दूसरी तीसरी बात आती है मटेरियल रिमेन्स, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कॉइन्स, उसके बाद मॉन्यूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, पोएट्रीज, पता नहीं क्या क्या मटेरियल रिमेन्स में मिला हमें। इससे हमने देखो कोलोसियम तो आज भी रोमन साम्राज्य का एक बड़ा फेमस प्लेस है। लोगों का मानना यह था कि उस टाइम पीरियड पे इतना बड़ा कोलोसियम बनाया क्यों गया रोमन साम्राज्य के द्वारा। रोमन के लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उस टाइम पीरियड पे अगर नहीं थी तो फिर व्यवस्थाओं को चलाते कैसे थे? तो सोचिए ताजमहल के अंदर अभी भी एक फुहारा है, बड़ा वायरल चल रहा है वो, कि उसमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता है। उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि बस वो फुहारा हमेशा चलता रहेगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऐसा ही इनके टाइम पीरियड में भी वो टेक्नोलॉजी थी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा डिटेल में। सो दिस इज ऑल अबाउट यू कैन अंडरस्टैंड, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि रोमन साम्राज्य के बारे में आप कैसे जानते हैं तो आप याद रखिएगा टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल रिमेन्स, उन्हें ही थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, चल जाएगा आपका काम और आपका आंसर हो जाएगा। अब रोमन एम्पायर जिस टाइम पीरियड में तीन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था वो एम्पायर और भी बढ़ सकता था, लेकिन दोस्तों उस टाइम पीरियड के अंदर रोम और ईरान के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। देखो रोम साम्राज्य तीन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, ईरानियन एम्पायर अभी आपको पता नहीं है, और ये याद रखना उसकी नेबरिंग स्टेट है, सेपरेट है पूरी तरीके से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से, और उसी टाइम वहां पे एक नई नदी बहती है यूफ्रेट। इसके बारे में मैप के थ्रू ज्यादा आपको समझ में आएगा। दे वर राइबल एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ द हिस्ट्री, मतलब नॉर्मल सा है। देखो रोमन साम्राज्य अपने इतिहास से लड़ रहे हैं, ईरानियन लोग अपने इतिहास से लड़ रहे हैं, आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा होता रहता था स्टेट्स और टेरिटरीज को लेके। कॉमन सा डिफरेंट है ये कि उन दोनों में डिफरेंट क्या है, कहां से कहां तक फैले हुए हैं, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं। देखो ये है आपका यूरोप के हिस्सों में जो पूरी तरीके से हमारा रोमन एम्पायर है, और ये हमारा अफ्रीका के हिस्सों में आपको रोमन एम्पायर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ईरानियन एम्पायर की बात करें तो ईरानियन एम्पायर हमारा यहाँ की साइड में, तो ये यहाँ तक तो पूरा का पूरा रोमन एम्पायर था। लेकिन अगर इधर की साइड में अगर हम जाए तो बगदाद, यहाँ पे आपको पता है ईरान के अंदर हमने देखा था दो नदियां यूफ्रेट एंड टाइग्रेस, ये पूरी तरीके से हमने पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे था ईरानियन एम्पायर, तो ईरानियन एम्पायर ये रहा, रोमन एम्पायर ये रहा, ये आपस में लड़ते रहते थे। और काइंडली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, आपको ये पढ़ने की जरूरत जरूर है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंट पेपर के अंदर आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। तो आपको फिजिकली पता चल चुका है कि ईरानियन लोग इस इलाके में रहते थे, तो ईरानियन के अंदर हमें पार्थिवियन एम्पायर के बारे में पढ़ना होता है, ससीरियन एम्पायर के बारे में पढ़ना होता है, उसके राजा कौन थे उनके बारे में पढ़ना होता है, उनके राजाओं ने जब रोमन के सैनिकों के ऊपर अटैक करा तो क्या प्रूफ दिया इतिहास के लिए, वो ज्यादा जरूरी है, वो जानना जरूरी है हमें। मतलब आपको ना जो क्लास 11th की हिस्ट्री है ना वो एनसीईआरटी पढ़ के नॉर्मल समझ में नहीं आती, वो आप कितनी भी बार पढ़ लीजिएगा आपको वो इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा। कारण ये है कि उसके बैकग्राउंड में हिस्ट्री क्या चल रही है, उसमें क्या फैक्ट है वो आपको पता ही नहीं है। सो दैट इज वाई यू आर एट द ई पाठशाला विद मी, और आपको बिल्कुल डिटेल क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आती रहेगी। तो रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर जो थे आपस में लड़ते थे, और आपको पता ही है इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है,
तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक थे, इनके बीच में क्या भाषा बोली जाती थी। जहाँ रोमन एम्पायर तीन स्टेट में फैला हुआ था, वहीं ईरानियन एम्पायर सिर्फ एक ही जगह पे सिमटा हुआ था। तो ऐसे आपने डिफरेंस लिखने हैं, एनसीईआरटी से जरूर डिफरेंस को ढूंढिएगा। फिर बात करते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। यहाँ से दोस्तों ये है क्या, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये थोड़ा सा मैंने अलग से लिखा है, एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा अलग भी लिखा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको भी कैरी ऑन रखें और इसको भी देखते रहे। देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि रोमन का इतिहास हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 0 से 600 साल पीछे, लेकिन यहाँ पे लिखा है रोमन का मोनार्की सिस्टम 7500 BC से लेके 509, और रोमन रिपब्लिक है 506 से लेके 27 के बीच में, और रोमन एम्पायर है 27 से लेके 7 के बीच में। ये है क्या, हमें इसके बारे में समझना है। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो रोमन अर्ली रोमन एम्पायर अलग है और लेट रोमन एम्पायर अलग है। ये क्या है, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 700 AD होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 700 AD ठीक है। अब ये है क्या, क्योंकि देखो इतना बड़ा टाइम पीरियड है, इतना बड़ा टाइम पीरियड हम नहीं पढ़ सकते एक ही एनसीईआरटी की बुक में, इसलिए इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक अर्ली रोमन एम्पायर बोला गया है और एक लेट रोमन एम्पायर बोला गया है। अर्ली रोमन एम्पायर के अंदर ये वो टाइम पीरियड है जब रोमन रिपब्लिक था, याद रखना। देखो, रोमन साम्राज्य में एक ऐसा दौर था जिसमें सिर्फ राजा की ही चलती थी, सिर्फ राजा की, और उस समय राजा ही सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करता था। लेकिन राजा को साम्राज्य चलाने के लिए भैया किसी ना किसी मंत्री की तो जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी संतरी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे टाइम पीरियड में रोमन साम्राज्य के अंदर जब संविधान व्यवस्थाएं आई, रोमन साम्राज्य के अंदर जब पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, तो उस समय को हम रोमन रिपब्लिक कहते हैं, और यही टाइम पीरियड था अर्ली रोमन एम्पायर का जब रोमन रिपब्लिक हो गया था। तो ये याद रखना, रोमन रिपब्लिक का टाइम पीरियड अलग है, उसके बाद रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग है। ये टाइमलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसके बारे में समझने की कोशिश करना। रोमन मोनार्की सिस्टम का मतलब जिस समय सिर्फ राजा की चलती हो, रोमन रिपब्लिक का मतलब जिस समय राजा के साथ सेनेट्स की भी चलती हो, रोमन एम्पायर का मतलब जिस समय राजा के अंदर सेनेट्स की सारी वैल्यूज आ गई हो। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। बीच में 100 सालों का क्राइसिस आया था, 100 सालों के क्राइसिस के बाद ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सका। ये आधा रोमन मतलब 100 सालों से पहले वाला साम्राज्य अर्ली रोमन एम्पायर था, और 100 साल के बाद वाला साम्राज्य रोमन रिपब्लिक था। कई राजा है, मैंने अभी बताया सारे राजाओं की लिस्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो जो एनसीईआरटी में नहीं है वो प्लीज आप उसको प्लीज ज्यादा डीपली मत पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये डिफरेंस है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप चाहे तो आसानी से डिफरेंस ढूंढ लीजिएगा। ये पार्थिवियन एम्पायर जो ऑफकोर्स उस समय ईरानियन में था, उसके बाद यहाँ पे ससीरियन डायनेस्टी आई, तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस है। सो जितना बड़ा साम्राज्य उतनी बड़ी विशाल विरासत को चलाने वाला राजा भी विशाल ही होना चाहिए। जैसा कि इंडिया के अंदर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समझा होगा आपके दिल्ली सल्तनत के राजाओं के बारे में, आपने सुना होगा मुगलों के बारे में, मुगलों के बाबर है, हुमायूं है, और औरंगजेब है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है ना, कितने सारे लोग हैं और जिन्होंने इतने सालों तक राज करा पूरे के पूरे भारत के अंदर। सेम उसी टाइम पीरियड पे एक व्यक्ति ने काफी अच्छी तरीके से साम्राज्य को चलाया, रोमन साम्राज्य को। तो क्योंकि रोमन साम्राज्य में कई भाषा बोली जाती थी, क्योंकि तीन एम्पायर में फैला हुआ, हमें पता है कि अगर अफ्रीका में है तो अफ्रीका में कुछ और भाषा तो होगी लोकल लेवल पे, और अगर कहीं एशिया के अंदर है तो एशिया में भी होगी कहीं ना कहीं। लेकिन कोशिश ये करी जाती थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ना ज्यादातर उन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए जो लोगों के लिए आसानी से समझने वाली हो। तो पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज दोनों का इस्तेमाल प्रशासनिक भाषाओं में इस्तेमाल किया जाता था। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप लोग भारत के अंदर गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु सब कुछ बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सारा काम ज्यादातर इंग्लिश में होता है ताकि सभी के लिए अंडरस्टेबल हो, और इसे हमने नेशनल लैंग्वेज माना है हिंदी इंग्लिश को लेके, क्योंकि साउथ के लोग हिंदी नहीं बोल पाते, हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही यहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं होता था, यहाँ पे ग्रीक और लैटिन भाषा का इस्तेमाल होता था। रोमन साम्राज्य में सभी लोग एक साथ रहते थे, भले ही वो कहीं भी रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, क्योंकि वो राजा के अंडर में ही होते थे, ठीक है, राजा के अंडर में होते थे, उसके अंडर अरेस्ट से बाहर नहीं होते थे, आप इतना समझ सकते हो। अच्छा, दूसरी बात है, रोमन
सिविलाइजेशन के अंदर तीन मेन प्लेयर माने जाते हैं रोमन के इतिहास को चलाने के लिए, जब रोमन रिपब्लिक हो चुका था। रोमन रिपब्लिक याद रखिएगा, रोमन रिपब्लिक का मतलब ये होता है, मैं वो टाइम पीरियड कह सकता हूँ जो आपके एनसीआरटी के अंदर दिया हुआ है। एनसीआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है, एनसीआरटी के अंदर ये दिया हुआ है कि जूलियस सीजर करके उसका नाम है, और इस टाइम पीरियड पे जूलियस सीजर ने रोम को रोमन रिपब्लिक कर दिया था। रोमन रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि अगर रोमन साम्राज्य का राजा या कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करेगा तो वो नियम और कायदे कानून से ही करेगा। ऐसा नहीं है कि राजा अगर कुछ भी हो तो कुछ भी रूल अप्लाई कर सकता है, उसे सीनेट से एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसे रोमन रिपब्लिक कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि 506 से लेके 27 तक या 509 से लेके 27 BCE तक ये वाला टाइम पीरियड जो था रोमन रिपब्लिक था। तो उस समय तीन प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट थे। तीन प्लेयर कौन कौन से, नंबर वन राजा तो था ही क्योंकि सारी अथॉरिटी का मालिक वही है, नंबर टू सीनेट, जैसे आज के लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना, तो उस समय में भी सीनेट जो थी, जैसे रोम अच्छा रोम एक इंटरेस्टिंग बात और है, इटली के पार्लियामेंट को आज भी सीनेट कहा जाता है, सोचिए। अच्छा, जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, जर्मनी के पार्लियामेंट को रिजिस्टेट बोलते हैं, भारत के पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, है ना, तो ये बड़ा अजीब सा है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? दूसरा आप बताइएगा मुझे कि एक और अफगानिस्तान, इसकी पार्लियामेंट का क्या नाम है? अच्छा, सीनेट जो होते थे वो वेल्दी बॉडी फैमिली होती थी जो राजा को एडवाइस करती थी किसी भी डिसीजन को कैसे लेना है। दूसरी आर्मी, सभी लोगों को 25 साल से बड़े व्यक्ति को बोला जाता था कि भैया आपको आर्मी के अंदर आना है, 30 साल तक आपको सर्विस करनी है सभी को, जैसे जापान के अंदर सभी को सर्विस देनी होती है, US के अंदर सभी को सर्विस देनी होती है, तो ऐसा ही यहाँ पे कहा गया कि भाई सभी लोगों को पेड एंड प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी और आपको उसका पैसा भी मिलेगा। तो ये अच्छी बात थी रोमन साम्राज्य को बहुत अच्छा बनाने के लिए। अब आते हैं पूरी तरीके से राजा के बारे में। देखिए, सीनेट जो थे ना, सीनेट द रिपब्लिक लीस्ट फ्रॉम 59 BCE टू 27 BCE व्हेन इट वाज ओवरथ्रोन बाय द ऑक्टेवियन द अडॉप्टेड सन ऑफ हायर ऑफ जूलियस सीजर हु लेटर चेंज हिज नेम ऑगस्टस। Membership to the Senate was the life and the wealth of his hold counted for more than rebirth. इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा अभी आपको कि रोमन रिपब्लिक था, रोम साम्राज्य रिपब्लिक था, और वो किस टाइम पीरियड में था, वो था पूरी तरीके से आपका 509 से लेके 27 BCE तक। पूरी तरीके से रोम साम्राज्य के अंदर कुछ भी चलता था वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता था, रूल्स एंड लॉ से चलता था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो राजा होता था उसको अपने सीनेट से एडवाइस लेने की जरूरत होती थी, और जो ये आर्मी होती थी वो पेड आर्मी होती थी, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे। अब इसकी शुरुआत किसने करी, इसकी शुरुआत करी थी, हमने अभी पढ़ा, जूलियस सीजर है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो माफी करिएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें, समय बीता और 27 BCE के अंदर, 27 BCE के अंदर इसी का गोद लिया हुआ बेटा जिसका नाम है ऑक्टेवियन, क्या नाम है, ऑक्टेवियन, इसने अपना नाम बाद में बदलकर अगस्तस कर लिया था, लेकिन हम इसे ऑक्टेवियन ही मानते हैं। ऑक्टेवियन नया नाम, पुराना नाम, अगस्तस नया नाम। अगस्तस जब आया पावर के अंदर तो अगस्तस ने बड़ी ही ईमानदारी से बोला कि भैया अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो पूरी तरीके से राजा के अंडर में ही होंगे, तो इस समय में कह सकता हूँ सीनेट्स की पावर हो गई कमजोर। ओके, इतना तो समझ में आ गया ना, अगर इतना समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है अभी आप कह सकते हो कि ऑक्टेवियन जो अगस्टस था, जब तक उसका टाइम पीरियड चला जब तक रोमन रिपब्लिक नहीं था, रोमन एम्पायर में राजा की ही चलती थी और राजा ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मालिक होता था पहले। हालांकि बहुत सारे राजा रोमन एम्पायर के अंदर आए, एनसीईआरटी में बहुत ही झोल झपाटा दे रखा है, बहुत ज्यादा झोल है। जूलियस सीजर का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो ये टाइम पीरियड है, अगस्तस का टाइम पीरियड देखें तो ये वाला टाइम पीरियड आपको दिखाई देगा, 27 BCE से लेकर 14 AD तक। उसका बेटा टाइबेरियस आया, 14 से लेकर 37 तक वो रहा, देन टर्जन आया बहुत टाइम बाद, 98 से लेकर 117 तक रहा। तो इसके बीच में और भी राजा थे, टाइबेरियस के बाद एक और राजा होगा, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अंदर ना सिर्फ ये चार नेम जो है मेंशन करे हुए। तो अभी आपने क्या समझा, अभी आपने ये समझा कि रोमन एम्पायर जो था जूलियस सीजर के टाइम पीरियड पे रोमन एम्पायर था, रूल्स एंड लॉस के अकॉर्डिंग चलता था, सीनेट की पावर काफी अच्छी थी। जब रोमन एम्पायर में अगस्तस आ गया, यानी कि इसका गोद लिया हुआ बेटा ये पावर में जब आ जाता है, तो फिर इसने
पूरी तरीके से रिपब्लिक वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। इसने कहा आई एम द बॉस, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, और मेरे ही कहे गए शब्द तुम्हारे लिए संविधान होंगे, और यहाँ पे सीनेट्स की बिल्कुल नहीं चलेगी, यहाँ पे चलेगी तो सिर्फ राजा की। अब ऐसी सिचुएशन को ना, ऐसी सिचुएशन को आपकी एनसीईआरटी के अंदर पता है क्या कहा गया है? आपकी एनसीईआरटी के अंदर कहा गया है, इस चीज को मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड, ऐसे वो बाद में आएगा, हाँ सबसे एंड में आएगा, चलो वही मैं डायरेक्टली बता देता हूँ ये है क्या, इस चीज को कहते क्या है। ठीक है, यहां से जब ये चीज हुई तो अगस्टस हैज पुट द पावर ऑफ द सीनेट, अगस्टस ने अपने पास ही सारी की सारी पावर रख ली, और ये टाइम पीरियड आप कह सकते हैं कि सीनेट वर्ग बड़ा कमजोर था, सीनेट की कुछ नहीं चलती थी, सीनेट 14 से लेके 14 AD का टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड पे पूरी तरीके से अगस्तस की ही चलती थी, तो सीनेट क्लास बड़ी कमजोर थी इस टाइम पीरियड में। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अर्ली रोमन एम्पायर में जब अगस्तस का टाइम पीरियड था ना, ये वाला टाइम पीरियड रोमन एम्पायर का, वो सबसे ज्यादा पीसफुल था, और इस सिचुएशन को प्रिंसिपेट कहा गया। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर आता है कि प्रिंसिपेट है क्या, ये जरूर फाइंड आउट कर लीजिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन करता है, तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली इस पे पॉइंट आउट करवाया। द रूल ऑफ द अर्ली रोमन एम्पायर ड्यूरिंग द सम फीचर ऑफ द रिपब्लिकन गवर्नमेंट वर रिटेन, यहाँ पे अगस्तस एज इज रिमेंबर एज द एज ऑफ पीस, और इसी टाइम पीरियड को मैं कह सकता हूँ कि ये टाइम पीरियड ऐसा था अगस्तस का, जहां पर कई समय तक, जो दशकों तक आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैन्य विजय के बाद ये यहाँ पे शांति आई, और एक्सटर्नल वेलफेयर ऑल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट टू सेंचुरी, और पहली दो शताब्दियों तक अगस्तस के बाद बहुत अच्छी बनी रही थी, इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद जो दूसरे राजा है ना, उन्होंने भी रोमन एम्पायर को बहुत अच्छी तरीके से चलाया। अब आपने अगस्तस के बारे में तो जान लिया, ठीक है, अगस्तस काफी अच्छा राजा था वगैरह वगैरह, ये आप समझ गए, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें तो सीनेट्स होते कौन थे, या आर्मी होती कौन थी, या इन आर्मी का काम कैसे होता था, ये भी तो समझना जरूरी है ना। तो अगस्तस मरा 14 AD के टाइम पीरियड में, और उसके बाद उसका बेटा, ये भी गोद लिया हुआ बेटा ही था, मतलब इनके अपनी संतान नहीं थी, गोद ली हुई संतान ही थी। और यहाँ पे अगस्तस के बारे में लोग ये भी कहते हैं, मतलब लोग कहने की कोशिश करते हैं कि वो गे था, या वो लड़कों के अंदर इंटरेस्ट रखता था, तो ऐसा कुछ है, तो ढूंढ सकते हो आप खुद भी अपने लेवल पे, मैं स्पेशल नहीं कहूँगा कि आप इसी चीज़ को मानो, लेकिन ये है कि इसने गोद तो लिया था पुत्र, इसके बारे में तो एनसीईआरटी भी बताती है। तो टाइबेरियस जब गोद लिया हुआ पुत्र था, तो टाइबेरियस ने भी कुछ ना कुछ करा होगा, सीनेट्स के बारे में भी कुछ सोचा होगा उसने, आर्मी के बारे में भी कुछ सोचा उसने, तो ये भी समझ लेते थोड़ा सा। और उसका भी बेटे का बेटा आया हुआ टर्जन, टर्जन का सपना था भारत को कैप्चर करना, ये क्या कहते हैं, ये अलेक्जेंडर की तरह था जो पूरे दुनिया के ऊपर राज करना चाहता था, तो ऐसे टर्जन जो था उसका सपना था भारत के ऊपर राज करने का, तो ये लाइन हमें यही बताती है। इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको एक इतिहास करता है कैसियस डियो, उन्होंने अपनी बुक के अंदर इसके बारे में बताने की कोशिश करी है। सिकंदर से बड़ा इंस्पायर था ये, कहता था मैं भी एक दिन ऐसा होगा कि भारत पर विजय प्राप्त करूंगा, तो इनको समझा दो कि ऐसे बहुत आए भारत को जीतने के लिए, लेकिन हर कोई जीत नहीं पाया। चलिए सीनेट की बात कर लेते हैं, सीनेट है, सीनेट बॉडी हेल्दी फैमिली, जो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी चलती थी जिस समय रोमन रिपब्लिक था, इनकी काफ़ी चलती थी, और ये पावरफुल थे गवर्नमेंट के अंदर, इसीलिए इनके अंडर में भी बहुत सारे प्लेसेस होती थी जो ये रूल करते थे। और आर्मी कौन थी, आर्मी होती थी ये रोमन एम्पायर के अंदर, द आर्मी वॉज पेड 25 ईयर्स तक सभी को सर्विस देनी ही देनी है, उसके बाद इस चीज़ के लिए उन्हें अलग अलग तरीके के जगहों पे भेजना पड़ता है, अलग अलग चीज़ें इनको सीखनी पड़ती है, अटैक के टाइम पीरियड में ये लोग काम आएंगे, थोड़ा सा इतने समझना आपने। अच्छा, आर्मी जो है मैं कह सकता हूँ सेना रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी एक ऐसी सिस्टम थी जो पूरे रोमन एम्पायर का क्या कहते हैं फ्यूचर तय करने वाली थी। इस बीच आर्मी जो थी सीनेट से बड़ा क्या कहते हैं किलसा करती थी, क्यों, क्योंकि सीनेट जो होते थे ना वो राजा को बोला करते थे कि आर्मी के अंदर ये बदलाव होने की जरूरत है, या आर्मी के अंदर लोगों को इस तरीके की सैलरी देने की जरूरत है। अब आर्मी कहती थी यार तुम तो काम कर रहे नहीं हो, तुम तो अटैक कर रहे नहीं हो, तुम तो युद्ध के लिए जा रहे नहीं हो, तो इस बिहाव पे क्या कहते हैं हमेशा जो एरिस्टोक्रेसी के जो लोग थे, वेल्दी क्लास फैमिली यानी कि जो सीनेट्स के लोग थे, उनके हमेशा आर्मी के बीच में और सीनेट्स के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी बता रही कि जेलेसी भी वहां पे थी। तो
जब रोमन रिपब्लिक था तो सीनेट ज्यादा पावरफुल थे और आर्मी जो थी वो इनसे किलसा करती थी, क्योंकि इनसे वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब आपका अगस्तस का टाइम पीरियड आ गया तो सीनेट की पावर तो वैसे ही खत्म हो गई, तो आर्मी थोड़ी बहुत कंट्रोल में थी, पूरी तरीके से राजा के अंडर में थी, इसीलिए वो टाइम पीरियड बड़ा शांतिपूर्ण था। अब अगस्तस के मरने के बाद उसका बेटा टाइबेरियस आता है, और टाइबेरियस भी जो था गोद लिया हुआ बेटा था, और उसके टाइम पीरियड में मैं कह सकता हूँ आर्मी जो थी सेना को इसी अवधारणा के लिए तैयार किया जाता था कि टाइबेरियस प्राकृतिक नहीं बल्कि अगस्तस का दत्तक पुत्र है। मतलब उसका आर्मी इस तरीके से बनाई गई थी कि अगस्तस के मरने के बाद आर्मी पूरी तरीके से मान ले कि हाँ भाई टाइबेरियस ही है जो पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा, इसलिए उस समय पे सीनेट को पावरफुल नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों इतना अब जो हम बात करने जा रहे हैं रोमन एम्पायर के बारे में कि किस तरीके से रोमन एम्पायर चलता था। देखो मैंने आपको सारे राजाओं के बारे में बताने की कोशिश करी थी। कोई भी राजा अगर तीन साम्राज्य में इतने बड़े तीन कॉन्टिनेंट में अपना पूरा का पूरा साम्राज्य चला रहा है तो उसके चलाने का एक कारण नहीं हो सकता भाई, वो बहुत तगड़ी तरीके से पैसे को ले रहा है और जब जाके इतनी बड़ी वास्ट टेरिटरी को पूरी तरीके से चला पाता है। यहाँ पर रोमन एम्पायर के अंदर जो राजा जितने भी आए, समय समय पे राजाओं ने ये देखा कि जहां जहां पे सेनेटोरियल प्रोविंसेस थे, यानी कि सेनेटोरियल प्रोविंसेस का मतलब होता है जहां पर सेनेट्स जो सेकंड नंबर के प्लेयर थे वो पावरफुल होते थे, तो कहीं कहीं पे वो लोग भी अपना क्या कहते हैं रुतबा चलाया करते थे और कभी कभार राजाओं को टैक्स भी कम दिया करते थे। तो ऐसे में राजा के अंडर में आर्मी होती थी पूरी तरीके से, और वो राजा उन सेनेटोरियल प्रोविंसेस को पूरी तरीके से अपने अंडर में करके फिर टैक्स वसूला करता था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें छोटा छोटा ये झलकियाँ भी दिखाई गई है कि किस तरीके से रोमन एम्पायर के अंदर राजा जो होते थे वो समय समय पर अपने आप को पावरफुल भी दिखाते रहे। अगेन आई एम सेइंग दैट कि क्या कहते हैं अगस्तस का टाइम पीरियड बड़ा ही पीसफुल था, क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर शांति के दौर को कायम रखा था। वो अर्ली रोमन एम्पायर था। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि 100 साल के गैप के बाद लेट रोमन एम्पायर में क्या क्या चेंजेस आने चालू हो गए। चलिए सो द वास्ट एम्पायर रोमन एम्पायर वॉज कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विद द हेल्प ऑफ अर्बनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो किसी भी साम्राज्य को अगर चलाना है या जीतना है तो ऑफकोर्स हमें पता है कि वो शहरीकरण वहाँ पे होता रहेगा। मतलब जहाँ पे रूरल प्लेसेस है उसको शहरीकरण कर देंगे, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ा देंगे और वहाँ पे टैक्स का सिस्टम ज़्यादा कर देंगे। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो राजा को ज़्यादा फायदा होगा। सो इन द केस आई एम सेइंग दैट अगर मैं कहूँ तो सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, यानी कि हर प्रांत हर एक एरिया पूरी तरीके से टैक्स के अंडर में था। भाई आज के इंडिया में दिल्ली के अंदर और दिल्ली में दिल्ली सरकार है पैसा ले रही है, इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट है टैक्स ले रही है, विदाउट टैक्स वो चल नहीं सकती है। आपके हर एक चीज पे जो भी आप कुछ खरीदते हो उस पे वैल्यू एडिड टैक्स लगाया जाता है और GST इंक्लूड अब अलग से हो गया है, तो सोचिए 18% तो आपका टैक्स कट रहा है। तो सरकार पैसा ले रही ना, अब वो आपसे डायरेक्टली घर घर आके पैसा नहीं ले रही, आपको हर सामान पे पैसा ले रही है, पर ये लोग उस समय पे हर किसी जगहों से टैक्स लिया करते थे। अब क्योंकि रोमन एम्पायर तीन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था तो कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो राजा के ज्यादा कंट्रोल में थी, जैसे कि एथेंस है, कॉन्स्टेंटिनोपल है, एंटियोक है, जेरूसलम है, एक्सलेंड्रिया यानी कि सिकंदरिया बोलते हैं इसे, कार्ट्रेज है और रोम है। ये ऐसी प्लेस थी जहां पे राजा को सबसे ज्यादा टैक्स मिला करता था और इन्हीं जगहों से वो अपने पूरे इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल किया करता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर ग्रीक और लैटिन भाषा का ही इस्तेमाल होता था और बड़े वर्ग के लोग सिर्फ इसी का इस्तेमाल करते थे। NCERT हमें बताती है कि एक जगह है जैसे हम हेरोड बोलते हैं, ठीक है, हेरोड हिंदी में भी इसे हेरोदस लिखा हुआ है इसे हिंदी में, तो हेरोदस एक प्लेस है, अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे गैलीज है और यहाँ पे आपको हेरोड्स के बारे में थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है ना, तीन नंबर पे हेरोड्स एंटीपियस, ये एक जगह है। ये क्या जगह है, ये भी आपको क्या कहते हैं कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा क्या कहते हैं एशिया के कॉन्टिनेंट की कंट्री के अंदर। ऐसा बोला जाता है कि इस किंगडम के अंदर से 5.4 मिलियन डेनरीज, डेनरीज का मतलब वहां पे एक कॉइन होता है, रोमन साम्राज्य में दो कॉइन चलते थे, एक था दिनार एक था डेनरीज, मतलब एक था दिरम एक था डेनरीज। दिरम गोल्ड का होता था और दिरम जो होता था वो गोल्ड का होता था और डेनरीज जो होता था वो चांदी का सिक्का होता था। तो ऐसा बोला जाता है कि इस एक साम्राज्य में इतने सारे गोल्ड के कॉइन मिले हैं जो लगभग
कितना हो गया ये 1,25,000 किलोग्राम गोल्ड के बराबर है। और एक सिल्वर की जो रोमन एम्पायर के सिल्वर का कीमत होता था उसमें 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर का इस्तेमाल होता। इससे आप ये कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के लोग कॉइन्स के रूप में गोल्ड में भी व्यापार किया करते थे और सिल्वर में भी व्यापार किया करते थे। सोचो अगर किसी एक राज्य के अंदर सिल्वर में गोल्ड में बिजनेस हो रहा है तो कितना ज्यादा वो बाहर के बिजनेस को कैच कर सकता है। रोमन एम्पायर के गिरने का भी यही कारण था कि उसने अपने एम्पायर के अंदर चांदी के सिक्कों का ज्यादा इस्तेमाल करा, विच इज वेरी प्रीशियस मटेरियल, है ना। कोई कोई स्टेट अगर सोने और चांदी के सिक्कों में व्यापार कर रहा है तो भाई उसकी कंट्री से तो सोना चांदी निकलता चला जाएगा ना। मान लो इंडिया के अंदर अगर ट्रेड हो रहा है तो बेहद सिंपल सी बात है कि हम लोग तो यही देखेंगे कि इंडिया के पास अगर ये सारा का सारा सोना चांदी जा रहा है तो इंडिया को ज्यादा फायदा हो जाएगा, रोम के साम्राज्य को कम फायदा होगा, तो ऐसा कहा जा सकता है। और दूसरे लोग अगर अटैक भी करेंगे इनके ऊपर तो ये भी एक कारण बनेगा। तो कार्थेज अगर हम देखें, जैसे कि मैंने मैप में भी दिखाने की कोशिश करी थी अभी, कार्थेज एक्सलेंड्रिया जिसे हम सिकंदरिया कहते हैं, एंटियोक, ये ऐसी जगह थी जो मेडिटेरियन सी के पास जो थी वो स्थित थी और यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम बहुत बड़ी मात्रा में चलता था, राजशाही शासन हम उसे बोल सकते हैं। इट वॉज द थ्रू दीज सिटीज दैट गवर्नमेंट वॉज एबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द प्रोविंसेस कंट्री साइड विद जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ। ये 5-6 जगह ही थी जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाई, वहां से बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स को उठाया जाता होगा सरकार के द्वारा या वहां के राजाओं के द्वारा। कारण सिंपल सा ये है कि अगर राजाओं के द्वारा वो वहां से उठाया जाता है तो भाई वो क्योंकि भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के पास सिचुएटेड बड़ी मात्रा में वो है जगह। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोकल अपर क्लास जो है एक्टिवली इन्वॉल्व इन रोमन स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर ओन टेरिटरी एंड कलेक्टिंग टैक्स फॉर देम। कभी कभार ऐसा भी होता था कि राजा लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे जैसे कलेक्टर ऑफिसर्स होते हैं ना एजेंट टाइप, तो अपर क्लास के जो वेल्दी क्लास के ग्रुप के लोग थे ना वो पैसा इकट्ठा करने में राजा की मदद किया करते थे। कभी कभार ऐसा भी होता था कि यही अपर क्लास जो होता था ये पावरफुल बनने लग गया था और यही उधर के आर्मी को कमांड भी करने लग गया था, तो ऐसी सिचुएशन में ये राजा को टैक्स भी कम देने लग गए थे और इसी वजह से रोमन एम्पायर में थोड़ा बहुत सिस्टम बदलने लग गया था। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ दे बिकम मच पावरफुल देन द सेनेटोरियल क्लासेस बिकॉज दे हैड दे हैज बैकिंग द एम्परर, मतलब ये सीनेट वर्ग की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे क्योंकि उनके पास सम्राट का समर्थन था। भाई दो ही जगह से कंट्रोल होती है टेरिटरी, एक तो राजा के अंडर में और एक था आपके सेनेटोरियल्स के स्टेट के अंडर में, लेकिन जहाँ सेनेट्स राजा को पैसा नहीं देते थे वहां पे छोटे छोटे अपर वेल्दी क्लास जो होते थे वो राजा को पैसा कलेक्ट करके दे देते थे, इससे वहां किसी स्टेट के सेनेट्स जो होते थे वो राजा से नाराज हो जाते थे। अब राजा को तो अपनी पावर बनाए रखनी है तो ऐसे केसेस में क्या करते थे सीनेट्स, क्या कहते हैं, राजा को वीक करने की कोशिश कर सकते थे क्योंकि सीनेट की नहीं चल पा रही है। ऐसे में राजा क्या करते हैं, एक राजा है गैलीलियस, अगर आप देखें रोमन एम्पायर का राजा बना था ये 253 से 268 के बीच में, ये एडी की बात हो रही है, ठीक है, ये भी एक अर्ली रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं होगा, ये लेट रोमन एम्पायर का पार्ट बन जाएगा। लेट रोमन एम्पायर के अंदर एक राजा आया था एम्परर गैलीलियस, उसने क्या करा, उसने मिलिट्री कमांडर का क्या कहते हैं सपोर्ट लिया और बहुत सारे सीनेटर्स को उनकी पावर से और उनकी जगह से निकाल दिया। इस तरीके से उसने अपने गिरते हुए साम्राज्य को बचाया, समझ रहे हो, क्योंकि भाई आप खुद भी देख लीजिए कि मुगल्स कमजोर क्यों पड़े, आप खुद ही देख लीजिए कि मौर्यंस कमजोर क्यों पड़े, गुप्ता कमजोर क्यों पड़े, क्योंकि गुप्ता के अंडर में जितने सामंती लोग थे वो राजा को कमजोर बनाते थे और अपनी पावर को खुद और अच्छा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते थे, ये एकमात्र कारण देखा गया। अच्छा, दूसरी बात, सबसे अच्छी बात क्या थी इसमें, देखो रोमन एम्पायर के अंदर ना कुछ ऐसा सिस्टम, जैसे हमारे इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग है ना, जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर सेंट्रल पावर सबसे ऊपर है, उसके बाद स्टेट पावर हमें देखने को मिलती है, देन उसके बाद हमें लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ऐसा देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। लेकिन उस समय न्याय का सिस्टम कुछ अलग था, न्याय के सिस्टम में यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे भी कुछ ऐसा वर्ग बांटा गया था। अगर आप देखें तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो होता था सिटी का वो सबसे इम्पोर्टेंट था, देन काउंसिल होता था और उसके बाद विलेज होती थी। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों को अलग अलग लेवल पे पावर को बांटा गया, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट सबसे ऊपर क्या कहते हैं हो गया, फिर देन काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए उस प्लेस के, और उसके बाद यहाँ पे विलेज के छोटे छोटे ऑफिसर्स हो गए जो उस जगह को संभालते थे। तो ये एक सही पैटर्न था पूरी तरीके से शहरों के अंदर एक नियम और कायदे कानून को बनाने का, जो रोमन एम्पायर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में था।
रोमन एम्पायर के अंदर जो भी सिटीज जैसे रिहायशी प्लेस होते थे, उन रिहायशी प्लेसेस के अंदर ऐसा दिखाया जाता था कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कमी नहीं रखी गई थी। जैसे हायर लेवल के एंटरटेनमेंट प्लेसेस थे, इंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें थी। जब भी शूट क्या कहते हैं फेमिनाइन आता है, मतलब जैसे देहाती इलाकों के अंदर, इन शहरी इलाकों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या है दोस्तों? रोमन साम्राज्य के अंदर एक ऐसा दौर आया जिस टाइम पीरियड पर बहुत सारे राजा खत्म होने चालू हो गए और रोमन एम्पायर का कंट्रोल छूटने लग गया और रोमन एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होता रहा। उसके लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी वर अ पीरियड ऑफ पीस, प्रोस्पैरिटी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, बट थर्ड सेंचुरी क्राइसिस वॉज मोस्ट डेंजरस क्राइसिस। इसको टाइमलाइन से दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, बच्चों को समझ में नहीं आता ये है क्या। अगर हम लोग यहाँ से आने की कोशिश करें, वन सेकेंड, हाँ ये ठीक है। अगर हम लोग ऐसे देखें, आप लोगों ने पढ़ा था टाइम पीरियड जीरो, जीरो से पीछे आपने पढ़ा था, यहाँ पे अगस्तस का टाइम पीरियड था 27 BC से लेके यहाँ पे 14 AD तक टाइम पीरियड अगस्तस का था, देन टाइबेरियस वगैरह वगैरह सब आ गए थे। अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि 100 AD से लेके 200 AD का टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड बड़ा ही पीसफुल था, या इससे पहले भी टाइम पीरियड जो था बड़ा ही पीसफुल था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 201 से लेके 2001 लिख दिया मैंने, 201 से लेके 201 एडी से लेके हम 299 एडी तक देखे, तो जो 100 साल का टाइम पीरियड था, ये 100 साल का टाइम पीरियड, ये 100 साल का टाइम पीरियड थर्ड सेंचुरी कहलाया। और थर्ड सेंचुरी क्राइसिस पूरी तरीके से बड़ा ही खतरनाक था रोमन एम्पायर के लिए। वो क्या था अगर हम देखें थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में, तो इन 225 न्यू डायनेस्टी लाइक ससीरियन जो थे वो ईरान के अंदर इवॉल्व होने लग गए, वो अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने लग गए, वो यूफ्रेट नदी के उस तरफ आने लग गए जहाँ पे रोमन एम्पायर था। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दूँ, ये ससीरियन एम्पायर है, ये एंटियोक आ गया, ये आपका यहीं पर ही वो नदी है जो आपको देखने को मिलती है यूफ्रेट एंड टाइग्रस, वो इस नदी को पार करके एंटियोक के ऊपर, दमिश्क के ऊपर है ना, और ये कॉन्स्टेंटिनोपोल है, यहाँ पे इनके कार्थेज है, सिकंदरिया जगह है, यहाँ पे इन लोगों ने अटैक करना चालू कर दिया। और जिसका एग्जांपल है ये, अगर आप फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन पे देखें जिसमें शाहपुर प्रथम है, ईरान के रूलर है, उन्होंने क्लेम करा था कि उन्होंने 60,000 क्या कहते हैं रोमन एम्पायर की आर्मी को कैप्चर कर लिया था। इसका प्रूफ हमें देखने को मिलता है इस पिलर के ऊपर। सोचिए, ये है एनसीईआरटी के अंदर और ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि रोमन एम्पायर जो था उसमें जर्मन ट्राइब्स पीपल जो थे, अगर जर्मन ट्राइब्स पीपल हम यहाँ पे देखें तो ये राइन नदी है, ये डाइनूब नदी है, यहाँ पे जर्मन ट्राइब्स है, यहाँ पे जर्मन ट्राइब्स थे, उन्होंने क्या कहते हैं डाइनूब फ्रंटियर के और राइन फ्रंटियर को पार करके रोमन एम्पायर के पास आने लग गए। दूसरा, 233 से लेकर 280 तक अगर हम देखें तो रोमन एम्पायर के ऊपर बहुत सारे इसी टाइम पीरियड पे हमले होते रहे, मतलब यहाँ से तो हमले हुए और यहाँ से भी हमले होना चालू हो गए। तो देख रहे हो, तो एक तो ये हमले होने चालू हो गए, दूसरा उसी टाइम पीरियड पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बारबेरियंस भी आए। तो दोस्तों 47 सालों के अंदर 25 सम्राट जो है 3 शताब्दी में बदल गए और इसी वजह से पूरे रोमन एम्पायर की हिस्ट्री बदल गई। और पूरे रोमन एम्पायर में बहुत कुछ दांगेबाजी हुई, फिर नए तरीके से राजा आए, उन्होंने देखा कि जितनी टेरिटरी बची हुई है उन टेरिटरी को सही तरीके से चलाना कैसे वगैरह। तो यहाँ से शुरू करेंगे आप लोगों ने, अब ये जो पार्ट पढ़ना है ना, ये आप समझ लीजिएगा जब से रोमन एम्पायर था, कब से था रोमन एम्पायर, आपने वीडियो के लेक्चर सीरीज में पढ़ा होगा, पहले भी हमने शुरुआती समय में समझाने की कोशिश करी थी कि ये जीरो है, इसके बैक साइड में जाएंगे तो समथिंग ये वाला टाइम पीरियड है, और उसके थोड़ा सा 600 साल आगे जाएंगे तो ये वाला टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड को हम लेट रोमन एम्पायर बोलते हैं और इस टाइम पीरियड को हम यहाँ से लेके यहाँ तक को हम मॉडर्न, सॉरी अर्ली बोल सकते हैं, मॉडर्न नहीं बोल सकते, अर्ली बोल सकते हैं। तो इस पूरे रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड के अंदर हमें ये जानने की जरूरत है कि उस टाइम पीरियड पे अगर सोशल लाइफ थी तो कैसी थी, कल्चर लाइफ थी कैसी थी, और इकोनॉमिक लाइफ थी तो कैसी थी। एक एक करके इसको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था तो इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली की, फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होती थी, एकल परिवार, घर में सारे लोग साथ रहते थे। जो अडल्ट बच्चा होता था वो ऑफकोर्स शादी होने के बाद फैमिली के साथ नहीं रहता था,
ज्यादातर घर का जो बड़ा मुखिया होता था वो शुरुआती समय में साथ में रहता था, बट शादी के बाद वो अलग हो जाता था। स्लेव्स भी साथ में चाहते थे क्योंकि उस समय स्लेवरी सिस्टम बहुत बड़ी मात्रा में पूरे रोमन साम्राज्य में फैला हुआ था। गुलाम दो तरीके के होते थे, एक पेड वर्कर होते थे जिन्हें खरीद कर गुलाम बनाया जा सकता था, और एक तो स्लेव का ही काम करते हैं, वो जन्मजाति गुलाम बने रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इसमें अगर हम स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करें तो वुमेन काफी अच्छे लेवल पे लीगल राइट का इस्तेमाल करती थी। जैसे फादर के मरने के बाद प्रॉपर्टी का हिस्सा बेटी को भी मिलता था। इंडिया के अंदर अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से, हालांकि लॉ में तो मेंशन है इसके बारे में, बट छोटी फैमिली के अंदर ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये अच्छी बात थी। दूसरा, अरेंज मैरिज ठीक ठाक थी। लव मैरिज के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आई थिंक लव मैरिज भी मुझे नहीं लगता उस समय ऐसा कुछ चलन चलता होगा, लेकिन यहाँ पे अरेंज मैरिज काफी अच्छी थी। डिवोर्स जैसी चीजें समाज में कॉमन थी, मैन एंड वुमेन को डिवोर्स का सिस्टम काफी अच्छे तरीके से पता था। वुमेन जब कभी भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी का हकदार होती थी, तो याद रखना आफ्टर मैरिज फादर की प्रॉपर्टी का हक उसके पास बना रहता था। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, अगर फादर की प्रॉपर्टी का हक उसके पास बना हुआ है तो हस्बैंड भी उस पर क्लेम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक नेगेटिव बात जो मुझे लगी, कि महिला हमेशा पति के अंडर में ही रहती थी। यहाँ पे हस्बैंड उनको मारा भी करता था, जो आज भी होता है ना। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का ऑनर हमेशा फादर की डेथ के बाद, हमेशा देखो यहाँ पे लिखा हुआ वुमन कुड बिकम द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑनर आफ्टर डेथ ऑफ फादर्स डेथ। तो वही हो गया कि उनके पिता, लड़की के पिता के मरने के बाद लड़की के पास प्रॉपर्टी का हक होता था। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों, लेकिन सबसे बुरा ये क्या है कि फैमिली में डोमिनेंस मेन का ही चलता है, हस्बैंड का चलता है, जो सबसे बुरा। अच्छा, इसका बात हमें कैसे पता चला? इसकी बात हमें पता चली 396 AD के अंदर एक हाईएस्ट पोजीशन रखने वाले इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के अंदर चर्च के पादरी हुआ करते थे, और उनका नाम जो था सेंट अगस्टाइन था। उन्होंने बताया कि जब वो बच्चे थे ना, जब वो बिशप थे, चर्च के हेड माने जाते थे, एक इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी मानी जाती है चर्च के, दो ही तीन लोग होते हैं, एक तो आपको पता पॉप होते हैं, बिशप्स होते हैं, और उसके बाद फादर होते हैं, इनकी पोस्ट भी अलग अलग होती है। तो ये बिशप्स थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी ऐसा होता था कि मेरे फादर जो थे मेरी मदर को मारा करते थे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई वाइडली बहुत ज्यादा फैली हुई थी, क्योंकि रोमन साम्राज्य ऑफकोर्स 3 साम्राज्य में फैला हुआ था, इसीलिए पढ़े लिखे लोग ज्यादातर आर्मी ऑफिसर होते थे, मजिस्ट्रेट होते थे, मैनेजर होते थे, सोल्जर होते थे, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था। कैजुअल लिटरेसिटी जो थी काफी हद तक प्लेस टू प्लेस वेरी करती थी। हमने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लैटिन और ग्रीक भाषा का इस्तेमाल होता था, लेकिन और दूसरी भाषाएं भी इस्तेमाल होती थी पूरे के पूरे रोमन एम्पायर के अंदर। अच्छा, लिखना और पढ़ना थोड़ा बहुत इनको आता था, क्योंकि हमने ना हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्राफिटी इनके दीवारों पे देखी थी। जब हमने एक पोम्पाई शहर है वो वॉल्केनो फटने के बाद पूरी तरीके से दब गया था, वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब मैग्मा धरती पे पहुंचता है तो लावा बन जाता है और शहर के शहर डुबा देता है, तो पोम्पाई एक शहर उसमें से था। जब इस शहर को खोद के निकाला गया तो उनके दीवारों पे ग्राफिटी मिली, उनकी दीवारों पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ हमें देखने को मिला, जिससे हमें समझ में आया कि हाँ, समाज के निचले वर्ग को पढ़ने की परमिशन नहीं होती होगी, लेकिन ऑफिसर, सोल्जर, राजा भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता होगा, और ऑफकोर्स सीनेट्स तो पढ़े लिखे माने जाते थे। मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक थी, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सारे लोग पढ़े लिखे होते थे, बट पढ़े लिखे थे। कल्चर की डाइवर्सिटी देखे, कल्चर बोलते हो संस्कृति को लेके, तो ऑफकोर्स ये रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग लेवल पे, खाने पे, पहनने पे, है ना, सब पे अलग अलग है, फूड पे, क्योंकि 3 इलाकों में फैला हुआ है, तो वास्ट डाइवर्सिटी है, इसलिए रिलीजियस कल्ट अलग अलग है, लोकल डाइटीज अलग अलग है, बहुत सारी भाषा बोली जाती है, ड्रेसिंग सेंस भी अलग अलग है। लोकल रिलीजियस कल्ट का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हर जगह हर व्यक्ति अपने देवी देवताओं की पूजा करते होंगे, ऐसा बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि इनका कोई एक भगवान था, ये जरूर याद रखिएगा। कल्चर डाइवर्सिटी तो इनके खान पान में, इनके पहनावे में, इनमें दिखाई देता ही देता है। मोस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चर वर्स प्योरली ओरल, कई तो भाषा ऐसी थी जो सिर्फ बोली जाती थी, मौखिक रूप से लिखी नहीं जाती थी, तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे 5th century तक आते आते हम कह सकते हैं कि अर्मेनियन लोगों ने थोड़ा सा लिखने की कला को बदलना चालू कर दिया, नहीं तो इससे पहले हमने सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उन्होंने सुमेरियन भाषा लिखा था। इस तरीके से जो लैटिन भाषा थी, इन द अदर एरिया स्प्रेड ऑफ लैटिन डिस्प्लेस द अदर वाइड स्प्रेड रिटन इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, इस तरीके से धीरे धीरे अर्मेनियन लोगों ने भाषा लिखने वाली शुरुआत तो करी, लेकिन लैटिन भाषा रिटन फॉर्म में सबसे पहले इवॉल्व हुई, इसी वजह से लैटिन और ग्रीक भाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब ये तो हो गया कल्चर के बारे में और सोसाइटी किस प्रकार थी, अब आते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो रोमन साम्राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, वहां पे हॉबर्ट्स, क्योंकि वो मेडिटेरियन सी के पास पूरा था, भूमध्य सागर के पास था,
इसीलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ बंदरगाह पे बिजनेस बहुत अच्छे होते थे, माइनिंग काफ़ी अच्छी होती थी वहाँ पे। वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे लोग ऑलिव ऑयल की खेती और दूसरा जो होता है वाइन की खेती, अंगूर की खेती काफ़ी अच्छी करते थे। यहाँ पे क्या कहते हैं ब्रिक्स यार्ड है, ब्रिक्स यार्ड का मतलब होता है ऐसा जहाँ पे ईंटों का कारखाना हो, ईंटें बनाई जाती हो। तो ये काफ़ी अच्छी मात्रा में था, मैं कह सकता हूँ कि सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप याद रखिएगा गेहूँ, शराब, तेल, जैतून का तेल, ये सारे स्पेन, गैलिनियस, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, इटली, इस सभी जगहों पे इन सभी को भेजा जाता था। एक टाइम तो ऐसा था कि स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पूरे के पूरे रोम साम्राज्य के अंदर आता था। स्पेन में ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छी मात्रा में जो था वो मिलता था। इतना सा आपने ध्यान जरूर रखना है, फसलों के नाम पे गेहूं, शराब, जैतून, ये याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे लिक्विड जो है और ऑलिव ऑयल जो है एक एम्फोरा करके कनस्तर टाइप कुछ होता है, इसमें इनको ले जाया जाता था। लेकिन स्पेशली स्पेनिश ऑयल जो होता था, जो स्पेन से आता था, वो ड्रिजिल 20 करके एक मटका टाइप कुछ होता है, इसमें आता है। तो पेपर में डिफरेंट आता है एम्फोरा और ड्रिजिल 20 का क्या है। तो स्पेन से जो जैतून का तेल आता था उसके कंटेनर ड्रिजिल 20 में रखा जाता था, जबकि खुद रोम से अगर कुछ व्यापार होता तो उसे एम्फोरा में रखा जाता। इस तरीके से 5th और 6th सेंचुरी के अंदर हम कह सकते हैं कि ऑलिव ऑयल जो था कंटेनर्स में अफ्रीका या दूसरे प्लेसेस पे बहुत बड़ी मात्रा में बेचा जाने लग गया था। इससे फायदा ही हो रहा है इन लोगों को, है ना। और दूसरा फिर यहाँ पे बताया गया कि भाई खुद के उनके रोमन साम्राज्य के आसपास की ज़मीनें थी वो काफ़ी फर्टिलाइज थी, इसी वजह से इन इलाकों के अंदर खेती होती थी और इन इलाकों के अंदर गेहूं उगता था बड़ी मात्रा में, इन इलाकों के अंदर काफ़ी अच्छी खेती होती थी। तो ये थोड़ा सा हमें देखना, ऑलिव ऑयल जो था पूरी तरीके से स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था वो पूरे के पूरे क्या कहते हैं इटली में आया करता था, और इटली से ऑलिव ऑयल जो है और वाइन जो है वो बेचा जाता होगा। दूसरी बात अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, पानी की कमी नहीं है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे जो पानी था ना, वाटर का सिस्टम वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। वाटर पावर का सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट तरीके से हमें देखने को मिलता है, जैसे मैं आपको इस मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये स्वचालित है, इतना बड़ा वाटर का मैनेजमेंट सिस्टम बनाया इन लोगों ने कि पानी से जो मतलब जो बैटरी बनाई जा सकती है या पानी से कुछ ऐसा ऑटोमेटिकली इंजन बनाया जा सकता है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया। इससे ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो चांदी होती थी वो निकाल पाते थे ज़मीन के अंदर से, ये बहुत अच्छी बात थी। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी, हाइड्रोलिकल, हाँ हाइड्रोलिकल माइनिंग कहते हैं इसे। अब देखिए सोचिए पानी से इन लोगों ने माइनिंग करनी शुरू करी, तो बहुत बड़ी बात है। KGF आपने मूवी देखी होगी, वहाँ पे पहली बार बिजली आई थी जब जाके तो हमने माइनिंग करी, लेकिन इन्होंने इतने टाइम पहले ही पानी का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बनाई और उससे माइनिंग करी इन लोगों ने, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। इनके पास वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंकिंग नेटवर्क सिस्टम था, इनके पास मनी के लिए, क्योंकि रोमन एम्पायर में सोना और चांदी से मनी का इस्तेमाल होता, उसको सही तरीके से रखने के लिए बैंक का सिस्टम था। जो पेपर करेंसी आई थी वो इन्हीं के थ्रू बननी चालू हुई थी। बहुत बड़ी मात्रा में जब ये व्यापार करने लगे थे, चांदी के सिक्कों को बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे प्लेस पर लेके नहीं जाते थे, तो ऐसा बैंकिंग सिस्टम इन लोगों ने बनाया कि चांदी को एक जगह रख सकते हैं और वहां से एक तरीके का पेपर लेके दूसरे बंदे को पेपर दे सकते हैं। इसी से नोट का इवॉल्वमेंट हमें देखने को मिला, ये भी यहीं पर शुरू हुआ। अच्छा, दूसरी बात है रोमन एम्पायर के अंदर स्लेव्स के बारे में, जो वर्कर्स है या स्लेव्स हैं, तो स्लेव तो पूरे रोमन एम्पायर में एक पूरी की पूरी संस्था थी जो इस पर काम करती थी। एक स्लेव जिसका गुलाम है उसके गले में पट्टा होता था, उस पर नंबर लिखा होता था, कोई किसी का स्लेव खरीद बेच नहीं सकता था। स्लेव की बड़ी इंपॉर्टेंस उस टाइम पीरियड में देखी जाती थी, इसीलिए उस समय लेबर के काम के लिए रोमन के इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्लेव का इस्तेमाल करा जाता था। तो इसीलिए 1st सेंचुरी के टाइम पीरियड में देखा हम लोगों ने, एज पीस वर एस्टैब्लिश इन द 1st सेंचुरी द सप्लाई ऑफ स्लेव्स डिक्लाइन एंड द यूजर ऑफ लेबर हैड टर्न टू स्लेव ब्रीडिंग और चीपर सब्सटीट्यूट एज अ वेज लेबर। इन लोगों ने क्या करा, 1st सेंचुरी के टाइम पीरियड तक आते आते लेबरों की जगह पे इन लोगों ने स्लेव का इस्तेमाल करा, स्लेव से स्लेव ब्रीडिंग करवाई। इससे क्या होता है, एक मेल एक फीमेल के साथ सेक्स करता है और जो बच्चा पैदा होता है तो वो भी गुलाम होगा। तो ये चीज पूरी तरीके से कहाँ पे पैदा हुई, यहाँ पे इटली के अंदर रोमन साम्राज्य में पैदा हुई, और ये प्रैक्टिस फीमेल को ज़्यादा इंकरेज करवाने के लिए करवाया जाता था ताकि ज़्यादातर बच्चे पैदा हो और वो भी गुलाम हो सके, इसे स्लेव ब्रीडिंग कहा गया। ये तो आपने साइंस से पढ़ा होगा। जब ये इंस्टीट्यूशन बड़े लेवल पे था, लेबर के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जाता, तो फ्री लेबर कभी कभार अगर ख़त्म भी हो जाती थी तो इन स्लेव का इस्तेमाल किया जाता। अब ये सब थोड़ा सा कचरा है जो आपने नहीं पढ़ना है,
ये बंदे ने रिकमेंडेशन दी कि किस तरीके से स्लेव का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम उनसे ज़्यादा ज़्यादा काम ले सके। हो सकता है कि कॉलमस के बारे में, इनका नाम है कॉलोमेलिया, और दूसरा पिलनी के बारे में जो है इन्होंने रिकमेंडेशन दी किस तरीके से लेबर को चेन में बांध के काम करवाना चाहिए ताकि वर्क की एफिशिएंसी हो। तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये पता होगा कि रोमन साम्राज्य के अलावा भी अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने या फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में फ्रेंच पीपल ने या जर्मन्स ने समाज को तीन हिस्सों में बांटा हुआ था। जैसे कि आपको पता है सबसे ऊपर तो किंग होते ही होते थे, लेकिन उनसे पहली पोस्ट होते थे क्लर्जी, उसके बाद होते थे नोबेलिटी, है ना, और उसके बाद होते थे आपके नॉर्मल इंसान और यानी कि आम पीपल जिससे टैक्स लिया जाता था। हिंदी में हमें क्या बोलते हैं, हिंदी में हमें क्या कहते हैं, पादरी वर्ग बोला करते हैं, और उसके बाद इसको हम अभिजात वर्ग बोला करते हैं, अभिजात वर्ग, और उसके बाद ये वाला वर्ग था साधारण यानी कि सामान्य यानी कि नॉर्मल क्लास। तो पूरा का पूरा समाज उस समय इस तरीके से डिवाइड होता था। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम क्या कहते हैं रोमन साम्राज्य की बात करें, तो उस समय पे समाज पांच कैटेगरी में डिवाइड होता था। सेनेटर्स है, इक्विटीज है, मिडल मैन है, उसके बाद हिमोलियस है, एंड देन स्लेव्स है। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो तीन कैटेगरी के लोग थे, क्लर्जी, नोबेलिटी और नॉर्मल इंसान। और उसके बाद अगर हम कहाँ की बात करें, हम बात करें आपके दूसरे क्लास ट्वेल्थ में आप आओगे, अल बरूनी ने भी क्या कहते हैं अपने समाज में परीक्षा में बताया कि उस समय पे समाज किस तरीके से था। जैसे किंग्स एंड प्रिंस सबसे नंबर वन पे होते थे, मंक्स एंड फायर प्रिंस इस टाइम पे सेकंड नंबर पे होते थे, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉटर, उसके बाद क्या कहते हैं अदर साइंटिस्ट, ये तीसरे नंबर पे होते थे, लास्ट में पीसेंट एंड आर्टिशंस हुआ करते थे। जबकि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ऊपर क्या कहते हैं ब्राह्मण होते थे, देन क्षत्रिय होते थे, देन वैश्य और शूद्र। हमारे इंडिया के अंदर इस तरीके से लोगों की क्लासिफिकेशन होती थी। अगर हम लोग मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें तो अब हम लोग जाति के हिसाब से लोगों को नहीं बांटते हैं, अब हम लोग कैटेगरी के हिसाब से लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। कैसे, सबसे ऊपर सारे लोग जनरल में हैं, देन ओबीसी में हैं, देन एससी में हैं, एंड देन एसटी के अंदर है ना। तो पहले समाज ऐसे बांटा जाता था, और इस वजह से पर्शिया के अंदर भी ऐसा था, इंडिया के अंदर भी ऐसा था, और उसके बाद आपके क्या कहते हैं रोमन साम्राज्य में भी ऐसा हमें देखने को मिलता था। बट अब पर्शिया में, रोम में, फ्रांस में मुझे नहीं पता कि किस तरीके से कैटेगरी को डिवाइड करा गया है, लेकिन अब हमारे इंडिया के अंदर इस सिस्टम को बदल दिया गया है। हमने जनरल ओबीसी एससी एसटी ऐसी कैटेगरी में इसको बना दिया है। तो हाल फिलहाल अब बात करते हैं, कम टू द पॉइंट, कि सामाजिक पदनामों का मतलब समाज के हायरार्कियल सिस्टम किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। तो सबसे ऊपर आते हैं सीनेटर्स। सीनेटर्स के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से इस व्यक्ति ने बताने की कोशिश करी है। मॉडर्न स्टैच्यू रिप्रेजेंट द टैक्टियस ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर आपको ये दिखाई देगा। और इन्होंने बताया कि उस समय पे ये एक इतिहास करता है, उन्होंने बताया कि सोशल हायरार्की सिस्टम के अंदर जो सीनेटर्स होते थे वो सबसे ऊपर कैटेगरी में आते थे, क्योंकि राजा तो सुप्रीम है ही, राजा तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन उसके बाद अगर कोई आता है तो उसके बाद आता है आपका कौन, वो आता है सीनेटर। तो सीनेटर कौन थे, अब मैं आपको ये बताने नहीं बैठूंगा, बिकॉज हमने इसके बारे में पहले भी स्टडी कर ली है कि सीनेटर्स हमें कौन मिलते हैं देखने के लिए, क्योंकि ये वही लोग थे जो राजा को एडवाइस दिया करते थे अच्छे लेवल पे। रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल हु अटैच्ड टू द ग्रेट हाउसेस वाज नेक्स्ट टू द सोशल ऑर्डर। दूसरी बात, लोअर क्लासेस एंड स्लेव्स कम टू द बॉटम इन द रोमन एम्पायर। लोअर क्लास और स्लेव्स जो होते थे वो सबसे नीचे आते थे रोमन एम्पायर के अंदर, ये इन्होंने बताने की कोशिश करी, पेपर के अंदर आएगा। और फिर देखो तो सबसे ऊपर सीनेटर्स, उसके बाद हिमोलियस एंड स्लेव्स ये सबसे नीचे आते हैं, और उसके बाद मिडिल क्लास एंड इक्विटीज ये सीनेटर्स से नीचे हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम इनके बारे में भी जान लेते हैं क्या है। तो द सीनेटर्स एंड द इक्विटीज हैज मर्ज इनटू द एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी। अगर हम देखने की कोशिश करें इन दोनों को, अगर हम लोग मिला लें तो ये वही लोग होते थे जो समाज के सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ कंट्रोल करने वाले लोग होते थे, जो समाज को कंट्रोल करते थे राजा के बाद, इसीलिए इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू समाज में देखने को मिलती थी। एंड देन उसके बाद मिडिल क्लास आता है, तो मिडिल क्लास के अंदर ज्यादातर कौन है, मिडिल क्लास के अंदर ज्यादातर उन लोगों को रखा जाता था जो राजा के लिए ब्यूरोक्रेट्स का काम करता था। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाही। जैसे मिडिल क्लास में आज हमारे इंडिया के अंदर मैं कह सकता हूँ आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सरकारी महकमे के, सेंट्रल के जितने भी लोग हैं, ये सारे सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं।
ऐसे रोमन समाज के अंदर हमें वर्किंग क्लास, जैसे कि आर्मी के अंदर, उसके बाद नाव चलाने वाले लोग, है ना, अच्छे खासे जमींदार, बड़े बड़े जमींदार, ये उस समय पे मिडिल क्लास के अंदर आते थे। देन उसके बाद उसके नीचे की कैटेगरी है, अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर कौन है, इसके अंदर ज्यादातर रूरल लेबर है, वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हैं, माइनिंग में काम करने वाले लोग हैं, माइग्रेट वर्कर है, ये वो सारे लोग हैं जो बिल्डिंग के इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, कटाई के लिए काम करते हैं, खेती के लिए काम करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो स्लेव है, ये गुलाम थे। आपको पता है इनके बारे में हमने बताया था कि गुलामी प्रथा पूरे के पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर बहुत तगड़ी तरीके से भरी हुई थी, और स्लेव को खरीदना बेचना एक आम बात थी, और दूसरी बात यहाँ पे स्लेव ब्रीडिंग भी करवाई जाती थी, तो ये एक चीज आपने समझनी है। अच्छा, अब बात करते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ लेट रोमन एम्पायर। मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनिटरिंग सिस्टम ब्रोक डाउन इन द लेट रोमन एम्पायर बिकॉज द स्पेनिश सिल्वर माइन वर एग्जॉस्टेड एंड गवर्नमेंट रन आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ मेटल एंड सपोर्ट द स्टेपल कॉइनेज इन द सिल्वर। इसका मतलब क्या है, देखो उस समय पे ना आपने पता करा होगा कि जो साम्राज्य होता था उसको चलाने के लिए राजा को टैक्स की जरूरत पड़ती थी, और टैक्स के रूप में सिल्वर से बने हुए कॉइन का इस्तेमाल होता था। अब क्योंकि स्पेन से ही वो सारे का सारा जो था सिल्वर आता था, और फिर वो लोग उससे बनाया करते थे, बट इसको स्पेन के अंदर जो सिल्वर से मिलने वाली माइनिंग थी वो बहुत कम हो गई, जितना सिल्वर निकालना था निकाल लिया गया, अब सिल्वर बचा ही नहीं तो अब किससे कॉइन बनाएंगे, और कॉइन बनाएंगे नहीं तो फिर राजा टैक्स कहाँ से लेगा, और दूसरी बात ये कि कॉइनेज सिस्टम को हमें बरकरार रखना है जब ही तो मॉनिटरिंग सिस्टम सही चल पाएगा। इसके सपोर्ट में गोल्ड के कॉइन भी अगर चलाते हैं तो ऑफकोर्स अपने आप में ही बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि गोल्ड के अंदर अगर कोई कॉइन बनाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो सिल्वर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा हो सकता है हम लोगों के लिए, या रोमन एम्पायर के लिए कितना ज्यादा हो सकता है, ये भी आप समझ सकते ही हैं। रोमन ब्यूरोक्रेसी इन द लेट रोमन एम्पायर, ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो द ब्यूरोक्रेसी इन द लेट रोमन एम्पायर बोथ हायर एंड द मिडिल लेवल वाज अफिलिएट एज इट ड्यू मच ऑफ हिज सैलरी इन द गोल्ड एंड द इन्वेस्टमेंट इन द बाइंग लैंड। आपको पता ही है रोमन क्लास के अंदर जो बेचारे एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग थे उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हुई, क्योंकि भाई पैसा तो सभी को चाहिए, इसकी वजह से समाज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर, जुडिशरी सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ बहुत सारे क्या कहते हैं करप्शन आने लग गए, है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लग गया। इसकी वजह से गवर्नर और जो नौकरशाही के लोग हैं वो जबरदस्ती पैसा वसूलने लगे, क्योंकि पैसे की मात्रा कम होती जा रही है। इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इतिहासकर्ता और बुद्धिजीवी ने अन्य सदस्यों के लिए इस तरह के व्यवहार की निंदा करी। उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत है, अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर पैसे की कमी होती जा रही है तो सिस्टम जाहिर चल रहा है सिस्टम को चलाना बंद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम चलता है ब्यूरोक्रेट से, सिस्टम चलता है क्लर्जी से, सिस्टम चलता है आपके सीनेटर्स ग्रुप के थ्रू, है ना, और जो इक्विटीज है उनके थ्रू चल रहा है, और अगर वही धन को अपने पास स्टोर करने लग जाएंगे तो समाज में उन तबके के पास पैसा नहीं पहुंच पाएगा जिनके पास जरूरी है, है ना। तो ये तो रोमन ब्यूरोक्रेसी हम कह सकते हैं मिलिट्री के अंदर, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं ये जो एक्सट्रॉशन का तरीका था वो आ गया, और उसकी वजह से आप कह सकते हैं बाय द 4th century ट्रेडिशन ऑफ रोम लॉ एक्टेड एज अ ब्रेक एंड वॉज एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स। और ये वही दौर था जब 3rd century क्राइसिस खत्म होता है और पूरे के पूरे रोमन एम्पायर के अंदर लोगों को ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अगर रोमन रिपब्लिक है तो हमें उनके अधिकार यानी कि जनता के अधिकार के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय द 4th century द ट्रेडिशन ऑफ रोम लॉ एक्ट एंड इट वॉज एक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स। 4th century में ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ दीज लॉ पावरफुल बिशप्स कुड डील विद पावरफुल एम्परर व्हेन दे वर एक्सट्रीमली हार्श ऑन सिविल पॉपुलेशन। ये वही दौर था जिस समय बिशप्स लोग जो होते थे जो चर्च को चलाया करते थे ये डायरेक्टली राजा से कनेक्ट हो सकते थे, और क्योंकि चर्च के अंदर लोग जाते हैं अपनी भगवान से प्रार्थना करने के लिए तो बिशप्स उनकी प्रॉब्लम्स को सुना करते थे चर्च के माध्यम से, और वो लो आ गया कि बिशप्स फाइनली राजा से भी बात करने लग गया, पावरफुल एम्परर से भी बात करने लग गया, क्योंकि अगर राजा खामी का ज्यादा टैक्स ले रहा है तो ऑफकोर्स वहां की जनता ही तो प्रॉब्लम में जाएगी ना, तो फिर ऐसे में फिर इनका भी रोल बनना चालू हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं डिस्क्राइब द फिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल आगे कहते हैं फाइनेंशियल पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ब्रेक अप द रोमन एम्पायर एंड द रेफर ऑफ द 4th to 7th century। अगर अब हम आगे देखने की कोशिश करें तो ये तो था अर्ली रोमन एम्पायर,
लेकिन जैसे ही थर्ड सेंचुरी क्राइसिस खत्म होता है और फोर्थ सेंचुरी आता है और नए नए सिविल राइट्स बनने चालू होते हैं, तो रोमन समाज के अंदर संस्कृति, कल्चर, उसके बाद रिलीजन एंड देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके बाद वे ऑफ रनिंग गवर्नमेंट, ये सब चेंज होने लग गया। कारण क्या था? कारण ये था कि इसको लेट रोमन एम्पायर कहा गया। और जैसा मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि रोमन एम्पायर दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है आपका अर्ली रोमन एम्पायर जिसमें हमने उन चारों रूलर के बारे में पढ़ा, और एक है लेट रोमन एम्पायर। तो लेट रोमन एम्पायर की शुरुआत हमारी एम्परर डायक्लेशन से शुरू होती है, और यहाँ पे 400 से लेकर 700 एडी के टाइम पीरियड पे हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर कितना कम बचा हुआ है, रोमन एम्पायर में संस्कृति कैसी है, रोमन एम्पायर में राजा काम क्या कर रहा है, रोमन एम्पायर के अंदर किस तरीके से राजा अब चीज़ों को डील कर रहा है, सिविल राइट्स की बात क्या हो रही है, एवरीथिंग वी नीड टू डिस्कस। तो ये लेट रोमन एम्पायर में आप ज़्यादातर दो ही लोगों के बारे में पढ़ेंगे, एम्परर डायक्लेशन और उसके बाद एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। अब बहुत तगड़े बदलाव होने चालू हो गए। सबसे पहला यहाँ पे जो डायक्लेशन थे, जैसे ही पावर में आते हैं सबसे पहले तो वो अपनी सीमाओं को मजबूत करते हैं। वो कहते हैं कि ससीरन एम्पायर की तरफ से, ईरानियन की तरफ से हमारे ऊपर हमला होता रहता है, तो ऐसे में हमें अपनी सीमाओं को फोर्टिफिकेशन करना चाहिए, सीमाओं को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारी सीमाएं बचेंगी तो बाहर से अटैक नहीं होगा। ही रिकॉग्नाइज द प्रोविंशियल बाउंड्री एंड सेपरेटेड सिविल फ्रॉम द मिलिट्री फंक्शन। इसने सैन्य कार्यों को सामान्य नागरिक के कार्यों से अलग कर दिया। ही ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर एंड हु बिकम द पावरफुल। इन्होंने ही कहा कि कुछ डिसीजन लेने की पावर कमांडर्स के पास भी होनी चाहिए, हमेशा हर चीज राजा ही डिसाइड नहीं करेगा। दूसरी बात, कॉन्स्टेंटाइन कंसोलिडेट सम ऑफ दीज चेंजेस एंड एडिट। अब उसके बाद देखो, अगर हम डायक्लेशन का टाइम पीरियड देखें तो डायक्लेशन का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ मैप में। देखिए यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जीरो से अगर हम इतना पीछे जाते हैं तो 509 BCE तक ये चल रहा था। हमने 27 BCE के टाइम पीरियड में 14 से लेके हमने पढ़ा था अगस्तस के बारे में। देन उसके बाद हमने अगस्तस के बाद उसका बेटा टाइबेरियस आया था, देन टर्जन आया था। ऐसे करते करते हम बहुत आगे आ गए हैं। और अभी हम किस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 284 से लेकर 286 के टाइम पीरियड तक। ये बंदा 2 साल तक ही पावर के अंदर रहा। 284, 20 नवंबर 284, यानी कि हम यहाँ पे 248 से लेके 286, 284 से लेके 286, ये 2 साल का टाइम डायक्लेशन का टाइम पीरियड है। तो हम जीरो से इतने साल आगे आ गए। हम जीरो से उतने साल पीछे पढ़ रहे थे, हम जीरो से इतने साल आगे आ गए। अब ऐसी सिचुएशन में डायक्लेशन ये सारे बदलाव करें, देन उसके बाद आता है कॉन्स्टेंटाइन। ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे समाज के लिए, हमारे जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसने सबसे पहले तो नए इनोवेशन करने चालू करे। इसने मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया। इसने एक नई राजधानी बनाई। कई सालों तक रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, लेकिन इसके टाइम पीरियड में आने की वजह से नई कैपिटल बनाई। इसको हम कॉन्स्टेंटिनोपोल कहते हैं, हिंदी में से कुंतिस्तुनिया भी बोला जाता है। दूसरी राजधानी बनाई गई। अब क्योंकि इनके पास सिल्वर उस टाइम पे खत्म हो गया था, तो इसने अपने टाइम पीरियड में बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए एक सॉलिडियस कॉइन बनाया, और ये कॉइन कम से कम 4.5 ग्राम का था, और ये कॉइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये कॉइन बना और उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ में चेंज होने चालू हो गए। बहुत सारे चेंजेस देखे, जैसे कि मॉनिटरिंग स्टेबिलिटी हो गई, पॉपुलेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगी क्योंकि बिजनेस आने लग गया। और मैं कह सकता हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड दैट द इन्वेस्टमेंट इन द रूरल एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन लाइक द ऑयल प्रेसेस एंड ग्लास फैक्ट्री इन न्यूअर टेक्नोलॉजी सच एज स्क्रू प्रेस एंड मल्टीपल वाटर मिल्स। ये वो सारा टाइम पीरियड था जो उसने नया शुरुआत करा। उस बंदे ने स्क्रू टेक्नोलॉजी लेके आया, वो बंदा उसका आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वही दौर था जिस समय थोड़े बहुत चेंजेस होने चालू हुए और लोगों की इकोनॉमिक लाइफ बढ़ने लगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बढ़ गया बहुत बड़ी मात्रा में, और अर्बन लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पीरियस हो गई। गोल्ड में बिजनेस हो रहा है ना क्योंकि, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कॉन्स्टेंटाइन का टाइम पीरियड बड़ा खतरनाक था। टाइम पीरियड आप देख सकते हो 306 से लेके 337 का टाइम पीरियड, यानी कि अब हम लोग कहाँ आ गए? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आ गए, हम इसके और आगे आ गए। मतलब हम जीरो से यहाँ पे 300 कितना लिखा हुआ, ये टाइम पीरियड आपको जानना जरूरी है, 306 से लेके 337, यानी कि लगभग इस बंदे ने, कॉन्स्टेंटाइन ने काफ़ी सालों तक राज करा। आप देख सकते हो इतने सालों तक तो कॉन्स्टेंटाइन ने राज करा है। इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन का टाइम पीरियड हमारे लिए जाना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इसने पूरी तरीके से बदलाव करे। उसने रिलीजियस लाइफ लोगों का बदल दिया। उसने कहा कि भाई देखिए अब क्या होगा,
उसने चेंजेस ये करे कि एम्परर कॉन्स्टेंटिन ने डिक्लेयर करा कि पूरे के पूरे रोमन एम्पायर का 4th सेंचुरी के बाद ऑफिशियल धर्म क्रिश्चियनिटी होगा। मैंने आपको बताया था कि ये साम्राज्य 3 इलाकों में फैला हुआ है और अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग देवता इनके हैं, लेकिन लेट रोमन एम्पायर के अंदर यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्स्टेंटाइन ने कहा कि ऑफिशियल धर्म क्रिश्चियनिटी होगा, क्योंकि 7th सेंचुरी तक धीरे धीरे ना इस्लाम धर्म बढ़ रहा था और ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम धर्म यूरोप की कंट्री में आ जाए, और इसी वजह से। सो लास्ट टॉपिक अगर हम देखें रोमन एम्पायर क्यों गिरा, तो रोमन एम्पायर गिरने के बहुत सारे कारण हैं। 4th शताब्दी में मैं कह सकता हूँ 4th शताब्दी ईसा पूर्व में जो पूर्व और पश्चिम के हिस्से हैं वो बट गए, आधे हो गए, और उस टाइम पीरियड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द लेट एंटीक्विटी पीरियड द जनरल प्रोस्पैरिटी वॉज स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट। जिस समय कॉन्स्टेंटाइन या उनका लेट रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड था वहाँ पे विकास ज़्यादातर ईस्ट की जगहों पे ही देखने को मिले। इन द ईस्टर्न रोमन एम्पायर पॉपुलेशन वॉज स्टिल एक्सपेंडिंग टिल द 6th सेंचुरी। ईस्टर्न रोमन एम्पायर बढ़ता रहा लेकिन वेस्ट वाला पार्ट नहीं बढ़ा। ईस्टर्न रिमेन यूनाइट अंडर द एम्परर जुलिस्टन। जुलिस्टन आने वाले और भी कॉन्स्टेंटाइन के आगे होगा, उसके टाइम पीरियड तक ईस्ट वाला पार्ट रोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में रहा, लेकिन 7th सेंचुरी तक आते आते रोम और ईरानों के बीच फिर दोबारा से वॉर होने चालू हो गए, और वॉर होने के बाद ईस्ट रोमन एम्पायर जो था बाद में बाइजेंटाइन के नाम से जाना जाने लग गया, और उसके बाद इस्लाम धर्म वहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ा, ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हिस्ट्री के अंदर उस समय पे होने चालू हो गए, और लार्ज पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर द एंड द ईरानियन एम्पायर हैड फॉल इनटू द हैंड ऑफ अरब्स। और उसके बाद बहुत रोमन एम्पायर का बहुत सारा पार्ट जो अरब के अंदर आता है वो अरबियों के हाथों में चला गया। मतलब ऑफकोर्स वो चला इसलिए गया क्योंकि अब कंट्रोल धीरे धीरे छूटना चालू हो गया। विद प्रमोटिंग द क्रिश्चियनिटी चर्च अ होली रोमन एम्पायर वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम सम ऑफ दीज किंगडम फ्रॉम द 9th सेंचुरी। और धीरे धीरे जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन ने ऑफिशियल धर्म क्रिश्चियनिटी को करा था उन राज्यों के अंदर क्रिश्चियनिटी धर्म बनने लग गया, चर्च की इस्टेब्लिशमेंट होने लगी, और 9th सेंचुरी तक बहुत बड़ी मात्रा में इसको देखा जाने लग गया। सो दोस्तों ये था रोमन एम्पायर के खत्म होने का कारण। तो आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज मिली होगी, समझ में आया होगा ये चैप्टर। वीडियो कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।